अभी आ जाइए खा लीजिए, ये मैंने रख ली है चटनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि ठीक होंगे, मैं भी ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड के रोल्स, और ये मैंने लिए हैं आलू उबले हुए, ये मैंने लिए टमाटर और एक प्याज, और पांच मैंने स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, और इसकी मैं बनाऊंगी रोल। मैं अब ब्रेड के जिस साइड वाले किनारे काट लूंगी, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, और मैं ये सब निकाल लूंगी इसको। और इसको बाद में ग्राइंड करके इसका बूरा बना लूंगी, और इसको कोटिंग के काम आएंगे ये सारे। मैं इसको निकाल देती हूँ, काट के रख लिए हैं। अब मैं आलू को मैश कर लूंगी, और इसमें एक टमाटर और ये प्याज काट के रख लूंगी, उसको इसमें मिक्स कर लूंगी। मैंने आलू मैश करके रख लिए हैं, और टमाटर भी काट लिया है, और प्याज भी काट के रख लिया है। अब मैं इन ब्रेड के जो मैंने स्लाइस काटे थे उनको उसको कर लेंगी मैं मिक्स में ग्राइंड। मैंने जो ग्राइंड कर लिया है इसको मैं ब्रेड को कोट करूंगी, और थोड़ा सा इसमें आलू के बीच मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई मैंने रख ली है, और इसमें डाल दिया मैंने ऑयल, एक चम्मच मैंने ऑयल डाला है इसमें। थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें जीरा, प्याज, टमाटर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। डाल दिया मैंने चम्मच नमक, थोड़ा सा डाल दिया धनिया पाउडर, एक चम्मच डाल दिया है मैंने चाट मसाला, देते हैं, और डाल दिया मैंने इसमें आलू जो मैंने मैश करके रखा था, चलाते हुए थोड़ा सा भून लेते हैं। ये मैं अपने ब्रेड के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। ये मेरे स्टफिंग हो गया तैयार, अब उसको डाल देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। तब तक मैं ब्रेड को बेल लेती हूँ। अब मैं इसको बेल लेती हूँ थोड़ा सा पानी की मदद से, थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी, और इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं इसको बेल लेती हूँ। थोड़ा सा मेरा ब्रेड हो गया है नरम। इसी तरह मैं सबको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसको बेल के पतला कर लूँगी। ये मैंने बेल के रख ली है, और ये मैंने थोड़ा सा बोल लिया है गेहूँ का आटा इसको कवर करने के लिए। अब मैं भरती हूँ इसमें फिलिंग, थोड़ी थोड़ी इसमें मैं फिलिंग भरती जाऊँगी।
मैंने फिलिंग भर दी है और इसको साइड साइड में लगा दूंगी थोड़ा सा ये आटे को घोल। जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा इसको कर देती हूँ मैं रोल। ये मैंने कर दी है इनको सब में फिलिंग, अब इसको करूँगी मैं फिक्स थोड़ा साइड पे लगा के आटा और घोल जो बना के रखा है इससे अच्छी तरह से ये बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। ये बहुत ही टेस्टी कुरकुरे रोल ब्रेड के बनके होंगे तैयार, आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये कैसी लगी मेरी ये ब्रेड रोल की रेसिपी। इस सब ब्रेड की सभी फिलिंग हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूँ थोड़ा सा ये ब्रेड का जो मैंने ग्राइंड किया था पूरा, इसमें हल्का हल्का थोड़ा सा डाल दूँगी। अब करते हैं इसको फ्राई, अभी ज़रूर ट्राई करना और अब इसको चटनी के साथ खट्टी और मीठी चटनी का किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। पैन रख दिया, इसमें डाल दिया मैंने ऑयल, अब करती हूँ मैं इसको फ्राई। फ्राई ये मेरे हो रहे हैं फ्राई, ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाले टेस्टी टेस्टी ब्रेड के रोल बनके तैयार हो गए हैं और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएंगे, आप भी बनाना और बच्चों को खिलाना, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हैं ये। और जो स्टफिंग है इसकी वो भी बहुत ही अच्छी है, टेस्टी टेस्टी। मेरे जो ब्रेड रोल बनके तैयार हो गए हैं, अभी आइए खा लीजिए। ये मैंने रख ली है चटनी हरी वाली और ये टमाटो सॉस, ये बहुत ही क्रिस्पी है, देखने में पता चल रहा है कि कैसे ये आवाज़ आ रही है इसकी और अंदर इसमें जो फीलिंग है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना कि आपको ये कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना कि आपको ये कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।